का सार है, इसी में से मैं दो चार लाइनें ले रहा हूं। सबने सुना है कि विज्ञान एक वरदान है और अभिशाप भी है। अब वरदान कम साबित हो रहा है, अभिशाप ज्यादा, क्योंकि हम सभी देखते आ रहे हैं इस समय जो भी विद्यार्थी है ज्यादातर सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है किसी भी तरह से। यदि फोन से ही पढ़ा जाता तो स्कूल आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ के परसेंट बढ़ा देते, तो मोबाइल से दूर रहें और परीक्षाएं नजदीक आ रही है, तो एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता है, ये भी बात है। आप हर परीक्षा मान लो किसी के टेंथ में 99 बन गए, वो परसेंटेज आपके कंपटीशन में ऐसी कोई भर्ती होती है जहां पर मेरिट लिस्ट प्रतिशत से होती है, वहां काम आ सकते हैं। लेकिन लगभग सारे एग्जाम में पेपर होते हैं, तो 36 वाला भी टॉप कर सकता है, 99 वाला पीछे रह सकता है यदि वो अच्छे से नहीं पढ़े। प्रत्येक एग्जाम को पार करने के लिए आपको उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अनुसार तैयारी करनी पड़ती है। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आगे प्रस्तुत है